हेलो बच्चों, मैं हूँ राकेश प्रधान और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में, जो कि क्लास 6 to 8 तक के लेवल का है। ठीक है, आप अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का नाम लेते हैं जैसे कि, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, सोच के देखिए। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स लाइट, या आप में से कभी किसी को शॉक लगा होगा तो वो भी ध्यान में आता होगा, कुछ बच्चों को ये भी ध्यान में आता होगा कि बिजली गिरती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। तो सभी सही सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आप लोग घरों में तो रेगुलर, मतलब डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। आप फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, बल्ब चलाते हैं, ठीक है, लाइट्स वगैरह के लिए आप हो सकता है हीटर वगैरह यूज़ करते हों आप, इसके अलावा वॉशिंग मशीन, टीवी, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके तो चलाते हैं, राइट। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ में, और इलेक्ट्रिसिटी के बिना एक्चुअली हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी ने एक नेचुरल फिनोमेना को तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, थंडर बोल्ट, लाइटनिंग बोल्ट। जब भी मौसम खराब होता है, बारिश का मौसम होता है, बादल घने होते हैं, तो उस टाइम पे आसमान से बिजलियाँ गिरती हैं, राइट, जिसकी आवाज़ बहुत ही लाउड होती है और देखने में बहुत ही खतरनाक होता है। कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है, कई पेड़ भी गिर जाते हैं इसकी वजह से। तो हम उसी लाइटनिंग बोल्ट की बात कर रहे हैं। लाइटनिंग बोल्ट जो है वो नेचर में शुरू से ही अवेलेबल है, जब इंसान नहीं थे, जब अर्थ अपने एकदम इनिशियल स्टेज में था, जब से बादल बनने स्टार्ट हुए तभी से लाइटनिंग बोल्ट जो है अर्थ का एक हिस्सा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत बस इसी लाइटनिंग बोल्ट से होती है। चलिए अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ इलेक्ट्रिक वोकैबुलरी की। इन सब की शुरुआत हुई थी लगभग 2600 साल पहले। एक प्राचीन ग्रीक जिसे थेल्स ऑफ मेलेटस के नाम से जाना जाता था, माना जाता है कि इसने ही पहली बार इलेक्ट्रिकल फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था। उसने ये डिस्कवर किया कि जब एम्बर के टुकड़े को फर्श से रगड़ा या रब किया जाता है तो वो एम्बर घास के टुकड़ों को पिक कर सकता है। थेल्स की लैंग्वेज में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। बहुत लंबे समय तक इंसानों को सिर्फ इतना ही पता था इस सब्जेक्ट के बारे में, और लोगों को करीब 2200 सालों का इंतजार करना पड़ा एम्बर की प्रॉपर्टीज पर न्यू इन्वेस्टिगेशन के लिए। 17th सेंचुरी में विलियम गिलबर्ट नाम के एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने यह डिस्कवर किया कि कुछ केयरफुल एक्सपेरिमेंट से कुछ और मटेरियल्स भी एम्बर की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि ये ऑब्जेक्ट्स घास के टुकड़ों के अलावा और भी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। गिलबर्ट ने इन एम्बर जैसी प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट्स को एक नाम दिया इलेक्ट्रिक्स, जो कि एम्बर का ही ग्रीक नेम है। इसके 40 साल के बाद नॉर्विच के में सर थॉमस ब्राउन ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। हालांकि इन्होंने गिलबर्ट से कुछ अलग नया फिगर आउट नहीं किया, बट जिस तरीके से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब किया, इससे एक नए वर्ड का जन्म हुआ जिसको आज हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को कुछ इस तरह से देखा कि अगर हम क्रिस्टल को एक क्लॉथ से रब करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जैसा कि हम इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स के लिए कहते हैं कि इनके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स के पास प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिसिटी की। 18th सेंचुरी के फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ड्यूफे नेक्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की। इन्होंने डिस्कवर किया कि लगभग सभी ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मेटल और फ्लूइड्स को इलेक्ट्रिक बनाया जा सकता है हीटिंग और रबिंग करके। इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि दो इलेक्ट्रिक्स को पास पास रखने पर या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इस नॉलेज का यूज करते हुए उन्होंने ये भी पता लगाया कि इलेक्ट्रिक्स को दो ग्रुप में रखा जा सकता है। सेम ग्रुप के कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे, जबकि अगर हम दोनों ग्रुप से एक एक ऑब्जेक्ट को पिक करें तो वो अट्रैक्ट करेंगे। इन नई डिस्कवरीज के बावजूद ड्यूफे की फिजिक्स अब गुमनाम हो चुकी है, लेकिन एक यंग अमेरिकन के वोकैबुलरी अभी भी हम सबको अच्छे से याद है और हम यूज भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की, जिन्होंने यूरोप में चल रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना और खुद के एक्सपेरिमेंट्स खेल खेल में ही कंडक्ट करने लग गए। उन्होंने जल्दी ही इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बनाना सीख लिया जो डी इलेक्ट्रीफाई किए जा सकते थे लार्ज स्पार्क के साथ, और वो थोड़ी शैतान किस्म के पर्सन थे तो कभी कभी मजाक में अपने फ्रेंड्स को ही इलेक्ट्रिकल शॉक दे दिया करते थे। जैसे जैसे उन्होंने और भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बनाए, उन्होंने इलेक्ट्रीफाइंग और डी इलेक्ट्रीफाइंग को लिंक किया
वेपन्स के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से। फ्रैंकलिन और उनके साथियों को ये रियलाइज करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि इन छोटे से शॉक करने वाले वेपन्स को कंबाइन किया जा सकता है। इसी मेटाफोर को कंटिन्यू करते हुए फ्रैंकलिन ने इस ग्रुपिंग को रिलेट किया कैनन्स से जो शिप्स में यूज किए जाते थे। मिलिट्री वेसल्स में जैसे गन डेक अपने कैनन्स को साइमल्टेनियसली एक बैटरी में फायर करते थे, सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक बैटरी भी एक साथ डिस्चार्ज होता था लार्ज स्पार्क के साथ। इस न्यू टेक्नोलॉजी ने एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा कर दिया, क्या थंडरबोल्ट बस एक बड़ी सी बैटरी है? फ्रैंकलिन ने इसको कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया, उन्होंने अज्यूम किया कि एक सब्सटेंस है जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लूइड कह सकते हैं जो कि सभी ऑब्जेक्ट्स में कॉमन होगा। मान लेते हैं कि एक पर्सन ने एक ग्लास ट्यूब को रब किया तो इस रबिंग और चार्जिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लूइड फ्लो होगा या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी पर्सन से ग्लास की तरफ। अब इसके रिजल्ट में पर्सन और ग्लास दोनों इलेक्ट्रिक बन जाएंगे। नॉर्मली अगर वो पर्सन जमीन पर खड़ा है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लूइड नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है उस फ्लूइड का। बट अगर वो पर्सन किसी वैक्स ब्लॉक पर खड़ा है तो ये सप्लाई ग्राउंड से कट ऑफ हो जाएगी। फ्रैंकलिन ने कहा कि जिस ऑब्जेक्ट के पास ये फ्लूइड नॉर्मल से ज़्यादा होगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जिसके पास कमी है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। जब ऑब्जेक्ट्स टच करते हैं या एक दूसरे के पास होते हैं तब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड उनके बीच फ्लो हो सकता है जब तक कि दोनों के बीच में बैलेंस नहीं हो जाते। दोनों के फ्लूइड में जितना डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा दूर तक ये फ्लूइड जंप कर सकता है जिससे कि एयर में स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है और ये मटेरियल डिटरमाइन करेगा कि चार्जिंग के समय कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल फ्लूइड को गेन करेगा या लूज करेगा। यही डूफे के दो ग्रुप्स हैं इलेक्ट्रिक्स के। बच्चों आपने ये तो सुना ही होगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। इसलिए अगले 150 सालों तक फ्रैंकलिन की थ्योरी को यूज किया गया बहुत सारे आइडियाज एंड डिस्कवरीज के लिए उन्हीं की इन्वेंटेड वोकैबुलरी को यूज करते हुए। इस साइंटिफिक इंक्वायरी ने बहुत से टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को आगे लाने में हेल्प किया और आखिरकार साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फ्लूइड पे और डीप स्टडी करना स्टार्ट किया। सन 1897 में जीजी थॉमसन ने जो कैम्ब्रिज के लंदन में वर्क करते थे उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये इलेक्ट्रिक फ्लूइड छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है जिसे फिजिसिस्ट जॉर्ज स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। अब ध्यान दीजिए एम्बर के ग्रीक नाम पर जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। खैर ये भी डिस्कवर किया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था वो फ्रैंकलिन के एज्यूम किए गए डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट था। इसका मतलब कि जिन ऑब्जेक्ट्स के पास पॉजिटिव चार्ज हैं उनके पास ये फ्लूइड एक्सेस में नहीं बल्कि उनके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। फिर भी चीज़ों को रीलेबल करने के बजाय लोगों ने डिसाइड किया कि वो फ्रैंकलिन की वोकैबुलरी को फॉलो करते रहेंगे क्योंकि यह अब एक कन्वेंशन या हैबिट बन चुका था। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सबको पता होने के बाद भी सबने फ्रैंकलिन की इलेक्ट्रिकल फ्लूइड के फ्लो को एक्सेप्ट किया और इसे एक नया नाम दिया कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी की मछली बन गई थी जो कि कन्वेंशनल करंट के नदी में अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करती है। ये कई लोगों के लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है जिन्हें इस आइडिया की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रिकल वोकैबुलरी की छोटी सी कहानी से आप सब्जेक्ट के एक्सीडेंटल इवेंट्स एंड ह्यूमर के उस पार देखने में सक्षम होंगे और साथ ही इलेक्ट्रिकल फिनोमेना के फिजिक्स की आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड कुछ कॉम्पोनेंट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे पहले तो आपके पास जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है बल्ब, राइट। एक सिंपल अगर हम लोग सर्किट की बात करें तो वैसे तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में बल्ब के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, फैन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एक बल्ब की और बल्ब में भी हम लोग बात करेंगे फिलामेंट वाले बल्ब की, ठीक है। तो फिर एक फिलामेंट वाले बल्ब में जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पतली सी वायर होती है अंदर में ग्लास के अंदर में जो कि जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं और बाहर में इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये वायर्स हैं, हमारे पास एक टेप है, एक सीजर है, और हमारे पास यहाँ पे एक सेल है जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल आप देख सकते हैं और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल।
अब हम क्या करेंगे कि वायर्स के दो वायर्स को हम लोग दोनों टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर देंगे। पहले ब्लैक वायर को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और रेड वायर जो है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम ट्रिप लगा देंगे। तो ये आपका कनेक्शन तैयार हो गया आधा। अब हमको बल्ब को इसमें कनेक्ट करना है, तो बल्ब के एक टर्मिनल को हम ब्लैक वायर से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल को हम लोग रेड वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होने पर बल्ब ग्लो कर रहा है। अब हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर बैटरी है, इसमें भी दो टर्मिनल्स हैं, आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और इसका जो कैप है उसमें कनेक्शन कुछ इस तरीके से रहता है कि रेड वाला वायर जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होता है और ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल के साथ होता है। इसमें आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हैं बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को। आप देख सकते हैं कि ये भी क्या होगा, इससे भी बल्ब ग्लो करेगा जब टर्मिनल्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए अब हम लोग स्विच का कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे एक सेफ्टी पिन का यूज करते हुए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि एक फोम पे थंब पिन्स का यूज करते हुए हम वायर्स को पहले फिक्स कर देंगे और एक सेफ्टी पिन को स्विच के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग स्विच को ओपन करते हैं और जब क्लोज करते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगता है, और जब ओपन करते हैं तब ओपन करने पर वो क्या कनेक्शन टूट जाता है राइट, और क्लोज करने पर कनेक्शन वापस से एस्टेब्लिश हो जाता है। तो स्विच जब क्लोज होगा तब बल्ब ग्लो करेगा। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कंडक्टिविटी को एक बार चेक कर लेते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में कैपेबल है या नहीं है। अगर वो कैपेबल है तो इसका मतलब वो कंडक्टिव है, और अगर वो कैपेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा सकता, तो इसका मतलब वो क्या होगा, नॉन कंडक्टिव होगा। तो यहाँ पे आप कोई भी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे की सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन के अलावा हमारे पास इरेजर है, कॉइन है, प्लास्टिक की कुछ चीज़ें हैं, नेल्स हैं। तो इस तरह के आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को कलेक्ट कर सकते हैं और उनको कनेक्शन के बीच में रख करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है या नहीं है। सबसे पहले हम नेल्स को चेक कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, कंडक्टिव है, तो इसको हम लोग कंडक्टिव की कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं। अब हम लोग पेंसिल को ले टेस्ट कर लेते हैं। पेंसिल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वुड का बना हुआ होता है, तो आप देख सकते हैं कि वुड में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, तो ये कैसा है, नॉन कंडक्टिव है। और तीसरा हम लोग एक इस की को सेलेक्ट कर लेते हैं, और की क्या है, मेटल की है, तो इसमें जब हम लोग इस वायर को टच कराएंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, तो इसका मतलब ये कैसा है, कंडक्टिव है। अब हम लोग इस चूड़ी को ले लेते हैं, ठीक है, चूड़ी मोस्टली प्लास्टिक मटेरियल ग्लास की होती है, तो अगर हम लोग इसमें टच कराएंगे बल्ब को, इस कनेक्शन को, वायर्स को, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करता, इसका मतलब एक ऐसा है, नॉन कंडक्टिव है। अब नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं कॉइन को। कॉइन डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको टच कराएंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, और बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में है, कंडक्टिव कैटेगरी में है, सिंस ये मेटल का बना हुआ है तो कंडक्टिव होगा। नेक्स्ट हम लोग इरेजर को ले लेते हैं। इरेजर को चेक करने के लिए उसके कवर को हमने निकाल दिया। अब इरेजर को के दोनों टर्मिनल्स को इरेजर पर टच कराने पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, नॉन कंडक्टिव कैटेगरी का है। नेक्स्ट हम लोग इस प्लास्टिक की पीस को ले लेते हैं। प्लास्टिक की पीस अगेन नॉन कंडक्टिव कैटेगरी में आएगी। और अब हम लोग यहाँ पर नेल कटर देख ले रहे हैं। नेल कटर मेटल का बना हुआ है, तो इस वजह से ये भी कैसा है, कंडक्टिंग नेचर का है। अब हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, इसके मेटल वाले पोर्शन पर अगर हम लोग इसको टच कराएंगे तो ये कंडक्टिव शो करता है, बट प्लास्टिक वाले पोर्शन, हैंडल वाला जो पोर्शन है वो नॉन कंडक्टिव है।
नेक्स्ट स्ट्रॉ ले लिया प्लास्टिक का, प्लास्टिक है तो ये भी कैसा होगा, नॉन कंडक्टिव नेचर का होगा। सीजर के मेटल वाले पोर्शन की बात करें तो ये कंडक्टिंग होगा क्योंकि मेटल का बना हुआ है, और इसका जो अगेन प्लास्टिक वाला पोर्शन है, हैंडल वाला पोर्शन, वो कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा क्योंकि वो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो अब हम लोग इसको अलग कैटेगरी में रख देते हैं जिसमें हैंडल जो है वो नॉन कंडक्टिव नेचर का है। यहाँ पे हैंडल का नॉन कंडक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि स्क्रू ड्राइवर को हम लोग कई बार इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ठीक करने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो हैंडल नॉन कंडक्टिव होगा तो हमको शॉक लगने का खतरा कम बना रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग अभी फ़िलहाल इतना ही करेंगे, और मेरे ख्याल से 6 to 8 लेवल पे इससे ज़्यादा आपके उसमें सिलेबस में है भी नहीं है, और लेवल पे जब हम लोग जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके आप कभी भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Thank you so much. Have a nice day.